हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड 15। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से और इजी तरीके से आप झटपट बना सकते हैं छोले भटूरे। और घर के ही सामान से हम बना रहे हैं, बहुत ही इजी और आसान तरीके से, खाने में बहुत टेस्टी। आप जब भी बना सकते हैं झटपट, कोई तामझाम नहीं है इसमें। घर के सामान से आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लें। सूख किया हुआ मटर है, मैं इसे अच्छे से धो ली हूँ, रात में पूरे रात भर सोक कर लिया था। ये वाइट चना है, काबली चना, इसे भी मैं अच्छे से धो ली हूँ। ये नमक अपने स्वाद अनुसार से डालें और उसके बाद हल्दी डालें। और इसमें ही बॉयल करने के लिए मैं आलू डाल दे रही हूँ। आलू अपने हिसाब से ले लें, 5-6 आलू। इसको अच्छे से धो ली हूँ, धो के पानी डालकर इसे अच्छे से उबाल लेंगे। 4-5 सीटी इसको अच्छे से लगा लेंगे ताकि अच्छे से गल जाए सॉफ्ट चना, अच्छे से गल जाए मटर चना। और ये अच्छे से गल चुका है, देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है। और इसे आलू इसी में चूर कर लेंगे हम। बिल्कुल हम आसान तरीके से बना रहे हैं, आप कभी भी बना सकते हैं। इसी में इसे चूर कर लेना है हल्का हल्का, ये हो गया। अब इसमें मसाला ये डलाएगा, ये अदरक लहसुन हरा मिर्च, इसे हम पीस लेंगे, इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। देखिए ये इसका पेस्ट हो गया। और ये तेल 2-3 चम्मच डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा दालचीनी और लौंग, और बारीक कटा हुआ प्याज डाल के इसे सौटे कर लेंगे गोल्डन, लाइट गोल्डन। अच्छे से सौटे करने के बाद ये पिसा हुआ जो हरा मिर्च अदरक का पेस्ट था, इसके बाद इसे डाल देंगे। इसे भी 1-2 मिनट चलाना है, भूनेंगे। ये लाल मिर्च है, काली मिर्च, जीरा की मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालेंगे 1 चम्मच भर के। ये धनिया पाउडर है, नमक थोड़ा मसाला के हिसाब से, ये हल्दी थोड़ा सा डालेंगे। इसे भी भून लेना है थोड़ा। इसके बाद 2 टमाटर मैं ली हूँ, उसको भी पीस लिया है मैंने, ग्राइंड कर लिया है। 2 टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ, इसे भी डाल के अच्छे से भूनना है हमें। ये थोड़ा पानी डाल के अच्छे से पक जाए मसाला, इसे ढक के मसाला 1-2 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम पे। ये अच्छे से मसाला पक चुका है, इसके बाद थोड़ा भूनना है। और ये मसाला भून चुका है, बॉयल किया हुआ मटर आलू ये डाल देना है। इसे डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम, मसाला सभी मिक्स कर लेंगे अच्छे से चलाकर। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह तरीके से, मेरे तरीके से। पानी 1/2 गिलास डालेंगे इसे। और ये चॉप किया हुआ धनिया पत्ती डाल रही हूँ, इसे भी मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लें और इसे 1 बॉयल आने तक इसे पकाएं, ढक के 1 मिनट और पकाएं इसे, बॉयल अच्छे से आ जाए। ये तैयार हो चुका है, ये मैं बाउल में गार्निश कर रही हूँ। इसको गार्निश कर ले, ये दही है, दही डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इमली का चटनी डाल रही हूँ, इमली डाल रही हूँ थोड़ा सा इमली की चटनी।
आप ज़रूर ट्राई करें और यह अदरक का स्लाइस है, इसे भी सजा दे रही हूँ प्याज के रिंग से। देखिए बहुत ही टेस्टी खूबसूरत बना हुआ है, जिस तरह देखने में अच्छा लग रहा है खाने में भी उसी तरह स्वाद है, उतना ही स्वाद है। आप ज़रूर ट्राई करें एक बार प्लीज़, और वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा रेसिपी। और ये छोले की रेसिपी हो गए, अब भटूरे बनाने जा रही हूँ। ये मैं मैदा नहीं ली हूँ, आटा ले रही हूँ एक प्याला, इसमें तेल थोड़ा डाल रही हूँ 2 चम्मच, ये चीनी 1 चम्मच, नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालें, ये सोडा है 1 पिंच, ये दही 4 चम्मच डाल रही हूँ। इसे छोले भटूरे बहुत ही अच्छे होते हैं, फूले फूले पूरे अच्छे से फूल जाएंगे। इसे मिक्स करने के बाद पानी डाल के अच्छे से गूंद लेना है, पूरी के आटे के जैसा। मैं मैदा से नहीं बना रही हूँ, आटा से ही बना रही हूँ, बच्चे लोग खाएंगे हेल्दी रहेगा आटा। ये आटा जैसे पूरी का होता है उसी तरह गूंद लेना है, इस तरह से इसको बहुत ही टेस्टी पूरी बनता है, भटूरे एकदम फूले फूले होते हैं बाजार मार्केट की जैसे। इसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है सॉफ्ट रहने के लिए, तेल थोड़ा डालकर इसे मिला लेंगे अच्छे से, मिलाकर इसे कपड़े से ढक के रख देंगे, कपड़े को अच्छे से भिगा के निचोड़ लें, उसी कपड़े से इसे ढक लें ताकि सॉफ्ट रहे आटा। इसे 15-20 मिनट रेस्ट पे रख देंगे, ये एकदम आटा फूल चुके हैं, पूरे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें लोई बना लेंगे, पूरी अपने हिसाब से बड़ा छोटा बना लें, मैं बना ली हूँ लोई, इसे बेल कर फ्राई कर लूँगी। तेल गरम हो गया, इसमें पूरे अच्छे से तल लिए, देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं, ये बिल्कुल मार्केट के जैसे फूल रहे हैं, हलवाई के जैसे। आप भी इस तरह से बनाएं, फूले फूले भटूरे होंगे। बिल्कुल फूले फूले हो रहे हैं, आटा का ही है पूरी, मैदा के भी आप बना सकते हैं। और इंजॉय करें रेडी छोले भटूरे घर पे बनाए बिल्कुल बाजार की जैसे, बच्चे लोग शौक से खुशी खुशी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी खाने में है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।